ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, हकली का सिक्का है एक से निराला, पुरानी ये कथा माना, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माना, इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मजा, मनोरंजन का मजा, सिंहासन बस्ती थी, सिंहासन बस्ती थी, सिंहासन बस्ती थी। अरे अरे कहाँ चले भोजराज, आज फिर आ गए सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने के पहले जरा सोचिए महाराज, कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ आप। सुनिए, इसी बात पे मैं वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। विक्रम की नगरी में एक तंबोली था पान बनाने वाला। क्या जादू था उसके पान में, दूर दूर से लोग आते थे उसके यहाँ पान खाने, और जो नहीं आते थे वो मंगवा लेते थे। रात के भोजन करवाया श्रेष्ठ पुत्र ने, आत्मा गदगद हो गई। जय हो, और सच्चा भी अच्छी थी। अच्छा अब एक अच्छा सा पान खा लें तो घर जाके तान फूटी सो जाए। लीजिए पंडित जी, वही सब डला है जो हमें प्रिय है। निश्चिंत रहिए महाराज, रहने दीजिए पंडित जी, ले लो आपको पान खिला, थोड़े पुण्य के भागी हम भी हो जाएंगे। ले लो, कभी कभी जब हमें दक्षिणा मिला करे तो ले लिया करो आशीर्वाद समझ कर। देखो कल भैरवनाथ के चरणों में चढ़ाएंगे इसे। बन गए हमारे पान? हाँ बन गए। देवी एक प्रश्न करूँ आपसे? हाँ कहो। ये आप रोज आकर मुझसे पान ले जाती है और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा दे जाती है, तो मैं जानना चाहता हूँ रोज ये आप पान किसके लिए ले जाती है, कौन है जो एक स्वर्ण मुद्रा देता है हमारे पान के लिए? देखिए तू अपना चुपचाप पान लगाया कर, ज्यादा कान खड़े करना अच्छा नहीं, और अपनी मुद्रा संभाल। मैं ये पान किसके लिए ले जाती हूँ, क्यों ले जाती हूँ, इसे पीछे क्या? पर हम पर रोज इतनी बड़ी कृपा कौन करता है ये जानने का भी अधिकार नहीं हमारा? बिल्कुल नहीं। आगे से ऐसा प्रश्न पूछा तो ये जो रोज सोने का सिक्का मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा, समझे? और ये रख ले सिक्का। पर आदमी के मन की कुलबुली तो ऐसी कि जब तक सच्चाई का पता ना लगे रात को नींद ना आए। वो स्त्री उसकी दुकान पर आए, सोने का सिक्का थमाए और पान लेकर चली जाए। पान वाला सोचे कि हो ना हो इसमें कुछ भेद है। एक दिन उससे रहा ना गया, उसने छोड़ी दुकान और रहस्य जानने के लिए उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। तुझसे रहा नहीं गया मुझे, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है? यही देखते कि तू जाती था। मैं कहीं भी जाऊँ तुझे इसे क्या? जिस कृपालु ने रोज एक एक सोने का सिक्का देकर
मुझे इतना धनवान बना दिया, उसके एक बार दर्शन तो करवा देते। वो व्यक्ति कोई पुरुष नहीं, स्त्री है। उसी से मिला दे, बड़ी कृपा हो। देख पान वाले, तेरे इतने सारे निवेदन पर मैं तुझे अपनी मालकिन से अवश्य मिलवाती, पर वे पुरुषों का मुंह ही देखना पसंद नहीं करती। यदि तू अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो चला जा यहाँ से। इन प्रहरियों ने देख लिया तो तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जा, जा यहाँ से। ये सुनकर हम तो डर गए भैया, कहीं सचमुच प्रहरियों को बुला ले, पर जब वो चट्टान में समा गई तो हम तो भागे भैया। क्या माया थी समझ नहीं पड़ा। कहीं कोई गहरा चक्कर है, कोई विषकन्या हो, कोई गुप्तचर हो शत्रु की। कल कहीं पकड़ी गई तो तुम्हारा नाम आएगा कि रोज पान खिलाता था। हाँ, हमारी मानो महाराज विक्रमादित्य को जाकर पूरी घटना जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है बता दो। वे सशक्त हैं, जो आवश्यक समझेंगे करेंगे। उन आंखों से देखी आपको सच्ची सच्ची बता दी महाराज। मोदी गवादी तुम्हारे यहाँ पान रोज दोपहर को आती है महाराज। अपने को सही खेल कर उस स्त्री को पकड़कर भिजवा ले महाराज। ये रहस्य है पर अपराध है, तुम चिंता ना करो, हम देखो। क्या करोगे, तुम्हारी गेल तो गई पानी में। यदि तुम कहो तो हम अंदर उतर के निकाल दें। कुएं में उतरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अबोली रानी हमारी गेल वापस कर लेगी। अबोली रानी, अबोली रानी हमारी गेल वापस कर दे। अबोली रानी कौन है? वो ठीक पाताल में रहती है। अच्छा, तुमने उसे कभी देखा है? कभी नहीं देखा, पर कहते हैं कि वो बड़ी सुंदर है। चलो चले। कौन हो तुम? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं हूँ विक्रम। विक्रम? महाराज विक्रमादित्य? आप राजा विक्रमादित्य है? हाँ, हम तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए आए कि हम जानना चाहते हैं कि तुम जैसी सुंदरी इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही है। मैं एक साधारण दासी हूँ। दासी हो पर वो बहुत सुंदर। अरे, अरे महाराज, ये आपने क्या किया? यदि अबोली रानी को पता चलेगा कि मैं एक पुरुष को लेकर यहाँ अंदर आई तो वो मेरे प्राण ले लेगी। कौन है ये अबोली? पुरुषों से इतनी? हाँ महाराज, उसे पुरुषों से घृणा है। तभी तो अपना सारा राजबाट छोड़कर यहाँ पाताल में महल बनाकर रह रही है। तुम्हारी स्वामिनी अबोली रानी क्यों कहलाती? वो मौन रहती है, पर्दे में छुप कर, उन्हें कोई देख नहीं सकता। हम तो उन्हें देख कर ही चलेंगे। कितने ही चुप रहे, उनका स्वर सुने बिना हम लौटेंगे। आप बहुत बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हैं महाबली। आप उनकी शर्त नहीं जानते। क्या है वो शर्त? कौन है ये पुरुष? ये आया कैसे यहाँ? ले चलो इसे, चलो। वाह, इतने गहरे पाताल में इतने सुंदर महल की कल्पना नहीं की थी मैंने। चुप रहो विक्रम,
यह मत भूलो कि इस समय तुम हमारे बंदी हो। मैं बंदी नहीं, इस राज्य का राजा हूँ। आदर से बात कीजिए मुझसे। अबोली रानी यह जानना चाहती है कि बिना आज्ञा दासी को धोखा देकर इस महल में घुसने के मूल में आपका कारण क्या है? तुम्हारे इस पर्दे के पीछे छिपी अबोली रानी को देखना, उससे बात करना और हो सके तो उसे अपनी रानी बनाकर ले जाना। अबोली रानी की एक शर्त है, जो पुरुष उसके मुंह से शब्द निकलवा लेगा, कोई ऐसी बात कहेगा या ऐसा काम करेगा जिससे अबोली रानी को बोलना पड़े, तो अबोली रानी उससे विवाह करेगी, यह पर्दा हट जाएगा और वरमाला तुम्हारे गले में होगी। पर यदि असफल हुए तो तुम जैसे कई लोगों की तरह अबोली रानी तुम्हें सारा जीवन बंदी बनाकर रखेगी। मुझे स्वीकार, यदि वो नहीं बोलेंगी तो मैं जीवन भर के लिए होंठ सी लूंगा। तो ठीक है, कल प्रातः तुम्हें अबोली रानी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक उज्जैनी के राजा होने के नाते तुम यहाँ आज अतिथि रहोगे। सद्व्यवहार के लिए आपकी मौन रहने वाली सुंदरी को मेरा धन्यवाद दीजिए। कल ये पर्दा हट जाएगा और आपकी रानी के मुंह से बोल फूटेंगे। कौन? हमारे बंदी, हमारे सेवक, हमारे दास। इस अत्याचार का कारण क्या दोष है इसका? ये मूर्ख भी तुम्हारी तरह अबोली रानी का हृदय जीतने और विवाह करने आए थे। न जाने क्या क्या गाकर नाच कर कथा सुना कर रहे, फिर भी अबोली रानी के मुंह से एक शब्द ना निकला। तुम्हारी रानी का हृदय पत्थर और किसी कारण से नहीं, तो इन दुखी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए उस पत्थर का बिगड़ना जरूरी है। अपने सुख के लिए नहीं, इन सब की पीड़ा दूर करने के लिए अब बोली को बोलना होगा। कल तुम भी इस कतार में दिखाई दोगे ना? बेताल बेताल। प्रणाम महाराज, आपका सेवक बेताल आपकी सेवा में उपस्थित है। आप यहाँ कैसे? हम उज्जैन में फंस गए हैं, तुम्हारी सहायता चाहते हैं बेताल। आज्ञा कीजिए। कल हम अबोली रानी को कथा सुनाएंगे, तुम वहाँ दृश्य रूप से उपस्थित रहो। अवश्य, मुझे क्या करना होगा? हम चाहते हैं कल हमारी कहानी सुनने के बाद यदि अबोली रानी मुंह से ना बोले तो भी उसका अंग अंग, हर आभूषण, हर गहना बोलना चाहिए। विक्रमादित्य को उपस्थित किया जाए। विक्रमादित्य, तुम अबोली रानी को प्रसन्न कर उनके मुंह से शब्द निकलवाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करना चाहते हो उसकी तुम्हें अबोली रानी की ओर से आज्ञा है। करा दिखाई जाए उसे जो आंख से अंधी न हो, कथा सुनाई जाए उसे जिसके पास हृदय हो। पर्दे के पीछे बैठी एक निष्ठुर स्त्री को, जिसे निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर रखा हो, क्या कहानी सुनाई जाए? उसे दिखेगा क्या? वो सुनेगी क्या? तो उसने देख सुन भी लिया तो वो बोलेगी क्या? बोलने के लिए समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। आहा, सुना सबने? अबोली रानी के कान का कुंडल बजा, वो बताता है कि वो मेरी बात सुन रही है। कोई बात नहीं कूंगी सुंदरी, मौनवती अबोली रानी, विक्रमादित्य अवश्य तुझे कहानी सुनाएगा। देख, कथा का मजा तो इसमें कि सुनने वाला हुकारब है, पर तूने तो कसम खाई है ना बोलने की। भगवान का नाम भी राम जाने लेती है या नहीं? बजे कुंडल, अबोली रानी का हुकारा देने का यही ढंग है। बस अबोली जी, जब हम कथा सुनाए आप इसी तरह कभी कान की कुंडल, कभी हाथ की चूड़ियां, तो कभी पैर के पायल बजा दिया करें।
हम समझ लेंगे कि आप हमारी कथा सुन रही हैं। हाँ तो सुनिए कहानी। चार मित्र, परम मित्र, एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक सुतार और एक बुनकर। अपने गुण में सभी गुणी, ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता, सुतार लकड़ी का शिल्पी, सुनार ऐसा जो रानी सेठानी के गहने गढ़े और बुनकर के हाथ में जादू। चारों मित्र प्रदेश में कमाई करने के बाद देश लौटे। एक से दूसरे को भरोसा, दूसरे से तीसरे को, दर कुछ दर मुकाम, नदियों का जल पीते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए चले जा रहे थे कि जंगल आया और रात हो गई। क्या करें भाई, चारों तरफ जंगल है, रात का वक्त है, कहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए, अपनी तो बसों की कमाई लूट जाएगी। अरे अगर चोर लेगा तो पता भी नहीं लगेगा। एक डरा तो दूसरा डरा, दूसरा डरा तो तीसरा, डर को डर खाने लगा। सोचा क्या करें, ये पक्का हुआ कि तीन सोएंगे एक जागेगा। पहली बारी आई सुतार की, रहा लकड़ी का कारीगर। सोचा खाली बैठा क्या करे, उसने जंगल की लकड़ी उठाई और लगा मूर्त बनाई। लकड़ी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई सुतार ने। कुछ देर बाद बुनकर उठा, उसने कहा लो भाई सुतार, तू सो जा, मैं पहरा देता हूं। सुतार सो गया। बुनकर ने मूर्ति को देखा, सोचा बैठा क्या करूं, इसे कपड़े सीकर पहना दूं। फिर जागने की बारी आई सुनार की, उसने मूर्ति को आभूषणों से सजा दिया। नाक में बेसर, कान में बाली, गले में माला, पैरों में सोने की झांझर डाल सजा दिया मूर्ति को। तीन प्रहर पूरे हुए, चौथा प्रहर आया कि सुनार सोया और ब्राह्मण देवता पहरा देने लगे। सोचने लगे, सुतार ने मूर्ति बनाई, बुनकर ने कपड़े पहनाए, सुनार ने गहनों से श्रृंगार कर दिया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। पंडित जी बड़े ज्ञानी, कितनी पोथी पढ़े हुए, जंतर मंतर जानने वाले, उन्होंने एक मंत्र फूका और मूर्ति में प्राण आ गए। अरे काठ की पुतली बोलने लगी और ये तुम्हारी रानी चुप है, अरे कुछ तो बोल देवी, पहले आभूषण बजाती थी, अब तो वो भी बंद कर दिए। हाँ तो आगे ये हुआ कि जब सुबह हुई, पंछी बोले, लोगों की नींद खुली तो सबने देखा कि वहां एक सुंदर सी कन्या खड़ी। ऐसी भोली भाली सुंदर कन्या देखी तो सबकी लार टपकी। सब कहने लगे मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। ये मूर्ति मैंने बनाई, इसका अधिकार मेरा है। अरे तुमने तो इसे बनाकर पटक दिया था, मैंने इसे वस्त्र पहनाकर उसका श्रृंगार किया है, उससे क्या होता है? इसे कीमती आभूषण तो मैंने पहना है, उससे क्या होता है? मैंने मूर्ति को प्राण दिए है, असल अधिकार तो मेरा है। नहीं मेरा है, मेरा अधिकार है, नहीं मेरा है। तो चारों लड़ते झगड़ते निश्चित नहीं कर पाए कि कार्ड की सुंदरी पर अधिकार किसका है। न्याय पाने के लिए कहां आए, अबोली रानी के दरबार में। अबोली रानी न्याय कर, कार्ड सुंदरी किसकी है? सुतार, बुनकर, सुनार और ब्राह्मण चारों तेरे सामने खड़े हैं, बता कार्ड सुंदरी का वर कौन? अरे तू क्यों बोलने लगी, ऐसा कर, यदि सुतार वर है तो कान के कुंडल फेंक पर्दे के इस तरफ, बुनकर वर है तो हाथ का कड़ा फेंक दे, सुनार वर है तो पैर की पायल फेंक दे, और ब्राह्मण वर है तो गले की माला फेंक दे। न्याय कर, न्याय कर, तू रानी है इस राज की,
निर्णय ले और फेंक। देखा देखा आपने, ये है तुम्हारी रानी का न्याय। चारों को उसका पति बना दिया, सारे गहने फेंक दिए। अब बोली रानी, अच्छा है कि तुम चुप रहती हो, वरना ऐसी मूर्खता करती। चारों को पति बना दिया। नहीं नहीं, जिसने पुतली बनाई वो उसका पिता हुआ, जिसने वस्त्र पहनाए वो उसका भाई हुआ, जिसने प्राण दिए वो परमात्मा है, ईश्वर है उसका, पति सुनार है, सुनार होगा उसका पति, जिसने आभूषण पहना है। बोली रानी, आखिर आप बोल दी। बंदियों को छोड़ दिया जाए। तो ऐसे चतुर, इतने बुद्धिमान थे वीर विक्रम। यह सिंहासन उनका सिंहासन है, जो जान की जोखिम मोल लेते थे, अपने प्राणों पर संकट आने पर भी अपना आपा, अपना धीरज नहीं खोते थे। उनकी तुलना में तू अपने को जांच ले। यदि तुझे लगता है कि तू इतना बुद्धिमान है तो आ बैठ इस सिंहासन पर। हर पुतली का पिता है, एक से निराला।